सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। भाई वही वाली रात है पर नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि पिछले एंड कर दिया था। तो गाइस हुआ क्या था, फोन चोरी हो गया था उसका, वो मिला नहीं अभी तक। और यहाँ पे अभी दो तीन दोस्त अपने वॉक कर रहे थे तो उनको बुलाया कि चलो आओ घूमेंगे। न्यू ब्लॉग स्टार्ट यही आ रहा है। सो गाइस अभी एक नेवी वाला बंदा बुलाया हमने क्योंकि अप्रोच चाहिए होती है ना थाने में। चलो आओ अरे इधर आ, सुबह के 4 बज रहे। अरे बेटी चोद इधर क्या इधर आ, क्यों हो गया तेरा? फोन चोरी हो गया। अरे फोन चोरी हो गया थे पीछे, वो इधर होना चाहिए कोई दबाने वाला। इधर से फोन चोरी हो गया तेरा। 20 बोर्ड दे मैं ट्रैपर एक होकर बात कर पहले, वो सड़ी का बात मार रहा है। सो गाइस बने रहो, अभी हम तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। और आज जो हमारा दिन है, आज हम घोस्ट ब्लॉग बनाएंगे। वैसे टाइम तो बहुत बढ़िया अभी घोस्ट ब्लॉग बनाने का। ओए मेरे उधर ना एक पार्क है ब्लॉग में, वहाँ पे कहते थे कि अगर वहाँ पे जाओ ना, वहाँ पे जाओ और 4 बार बोलो उछल कटोरा, नहीं कसम से उछल कटोरा 4 बार बोलो तो एक भूत आता है बहुत बड़ा। चले वही वाला पार्क, कौन सा ए ब्लॉग का फैली नहीं थी अब्बा, पीछे जाओ तो अच्छा, हाँ, उछल कटोरा न्यूज में भी आया था। साले कितने साल पुरानी बात कर रहा तू। हाँ पर पहली बार देखा पुलिस वाला, देख डेढ़ फुट का। वी नेवर स्टॉप वर्किंग गाइस, 24/7 हसलिंग। दाजिम छोड़ दिया, दाजिम के बाद हम एनी टाइम चले गए। बट ये कह रहा है दाजिम में वर्कआउट बढ़िया होता है, बट मैं कह रहा हूँ सारे भाई बंधु जब अपने एनी टाइम में तो वही है, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ इसे दाजिम में वर्कआउट बढ़िया करना चाहिए या एनी टाइम आना चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ एनी टाइम कहना भाई, नहीं एनी टाइम आ वर्कआउट कर वहाँ पर, एनी टाइम भी आ। हाँ ऐसा करा दो मेरे को दोनों जगह पौधे पौधे। हमारा फोन वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो, लट्ठे पड़ेंगे पुलिस चलो गाइस अब हम जा रहे हैं डैडी के घर के नीचे, वो बताएगा जादू। ओए मेरा फोन है, गाड़ो मेरा फोन है, पागल है तू। सो गाइस मेरा फोन है, मैं तेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, दोबारा कंटेंट मिल गया। गाइस एक चीज दिखाओ, चलो गाइस डैडी के पास चलते हैं। डैडी बताइए यार तुमको ना 24/7 अगर जा रहे थे तो फोन ना गाड़ी में रख के जाना चाहिए था। हाँ अटेंटिव रहो यार, आज डैडी की गांड फाड़ेंगे। चलो कौन सा डैडी? अरे वो बताएगा क्या भाई, वो बता देगा कहाँ मिलेगा फोन। उसका भी तो वन प्लस है, चोरी होके वहीं जाता है, वहीं मिलेगा। अरे मेरी बात सुन, एक चिंटू है अपना बलजीत नगर में, एक आपको एक सीन बताता हूँ, वो माधर चौध है। चला बैठो ये भाई को अंदर कर ले, यहीं कल कल गाड़ी यहीं पे चैन स्नैचिंग हुई थी एक। हैं हां यहां पे चैन स्नैचिंग, क्या फोन नहीं पकड़ा गया तो चैन की बात कर रहा है। ओए सामने वीडियो बन रही है ना देख ले बैठ। सो गाइस एक तो ये डैडी मिल ही नहीं रहा, है पता नहीं, चलो जल्दी देखते हैं जहां पे भी है। ब्लॉग बना रहा, कॉल कर ले उसको भाई, अगर उसको आना होगा ना तो ब्लॉग देख के खुद आएगा। वो मिल गया डैडी, बल्ले बल्ले भाई। एक बात बता, तू ही बता सकता है इसका फोन चोरी हुआ 24/7 में कहाँ मिलेगा? 24/7 पे मिलेगा। 24/7 में तो सब मिलता है यार, फोन क्यों नहीं मिल रहा? ये कैमरे वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे 24/7 के, तो क्या कर रहा था वहाँ पे फोन का? अबे कुछ खाने के साथ में खड़े हुए थे भाई, कुछ डांट डांट तो सही से डांट जाएगा फोन कर नाम चलता है। एक बार उसका जो फोन चोरी हुआ था उसका एक फोन चोरी हुआ था, दो वापिस आए थे। वही बल्लू को प्रिंस को फोन करो, वो दो मिनट में ला देगा।
बोला तो मैंने तेरे को तेरा कुछ गिरा पुलिस बेटा अगर इसका फोन चोरी हुआ होता ना पूरे पटेल नगर में कर्फ्यू लग गया होता तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है पैसा होता ना इस पे भाई पैसा तो तेरे पे भी अब पेटीएम कहाँ पे मंगाएगा जी आपको एक पेटीएम नंबर दिख रहा होगा गाइस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बहुत मूड खराब हो गया उसका तो वहाँ पे जो आपका मन करे मतलब 30-40 हज़ार बंदा देखता है अगर सब 10-10 रुपए भी देंगे ना बहुत काम हो जाएगा अबे एक-एक रुपया भी कर ले भाई 40,000 जने देखेंगे आगे ठीक है पर मैंने भीख मांगनी कभी नहीं सीखी यार आठ बजे निकला था नहीं 7 बजे जिम के लिए अभी तक बाहर हूँ चलो गाइस अब घर चलते हैं सुबह ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे बाय भाई बहुत बुरा लगा बाय भाई बहुत अच्छा लगा बाय भाई उसको बुरा लगा चल बोल रेडी के स्कूटी स्टार्ट कर बाय बैठ जा बरगद गेलन आ जा चलो भाई कल निकलते हैं बाकी सिक्के से हम मजे इसलिए ले रहे थे वो ना गाड़ी नहीं निकालता कभी अपनी तो मैं सोच रहा हूँ कल उसे कहूँगा भाई गाड़ी निकाल ले कुछ काम है और कुर्ता पजामा पहन के ढोल लेके नारियल लेके जाएंगे नारियल फोड़ेंगे फिर उसकी गाड़ी निकलवाएंगे तो आपको कल का दिन दिखाते हैं बाकी अभी चलो गाइस जब बैरिकेडिंग लगी होती है ना तो यहाँ से स्कूटी नहीं निकलती पर साइड से निकल जाती है भाई तुम्हें पता है कपड़ों पे काम कर रहा है तो अभी एक वो आया हुआ है सैंपल मैंने अभी तक पहन के नहीं देखा कपड़ा छू के बड़ा प्यारा है और ओलिव ग्रीन कलर बनाया अगर तुम्हें दिख रहा है जैसा है वैसे ही पहन के एक बार तुम्हें दिखाता हूँ बताओ कैसी लग रही है कपड़ा तो काफ़ी सॉफ्ट है यार जिम में भी पहन लो आराम से फिटिंग देखो भाई ये थोड़ी ओवरसाइज बनवाई है ताकि जिम वगैरह में आप नीचे कुछ पहन के जाते हो कुछ भी पहनते हो और ओवरसाइज के ट्रेंड चल रहा है ओवरसाइज कपड़े लो उनको फिर फिटिंग का बनाओ सामने से बेसिक है इधर लगेगा एक लोगो और बैक दिखाता हूँ तुम्हें कैसी लग रही है ये भी बोलना कि और नए नए डिज़ाइन आएंगे अभी तो भाई फटाफट जाके ओल्ड स्टैक को वो करो फॉलो करो वहाँ पे नए नए डिज़ाइन आएंगे साइड बड़ी जल्दी लाइव होने वाली है अगर तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है किसी चीज़ पे काम कर रहा है तो भाई तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है तुमको भाई मानता हूँ मैं तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है ये सब खरीदना जो भी आएगा साइट पहले दिन ही आउट ऑफ स्टॉक कर देना काफ़ी पैसा लग गया जितना मैंने आज तक अपना कमाया ना खुद का जोड़ा वोड़ा उससे ऊपर ही घर वालों से ले दे के काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से बंद था भाई कपड़ों का काम करने का आपको पता होगा तो सपोर्ट दिखा देना बढ़िया कपड़े बढ़िया देना मेरा काम है कैचिंग और ऐसे और भी कुछ वर्ड चाहिए तुम्हें मोटिवेटिंग वर्ड चाहिए ये मत सोचना खाली आरुष बोला से रिलेटेड होने चाहिए तो मैंने खुद से रिलेटेड इसलिए बना दिया ऐसी क्योंकि पहली ऑडियंस है उन्हें थोड़ा कनेक्शन दिखे मेरे कपड़ों में बाकी भाई बहुत बड़ा काम करना है खाली ये नहीं करना कि आरुष के नाम से बिके कपड़े की क्वालिटी एक नंबर है तुम्हारा भाई कॉम्प्रो नहीं कर रहा बिल्कुल चेक करो अब तुम्हें मिलता हूँ सुबह सुबह यहाँ पे भी जाना है मीटिंग करनी भाई को डिज़ाइन बनाने आते हैं कोई वो है रेफरेंस है तो ऑल स्टैक के पेज पे वहाँ पे सेंड करते रहना ठीक है चलो अब सुबह मिलते हैं ब्रुजो भाई को देखो भाई ठीक है तू एक इस शेड की मैंने बनवाई है क्योंकि तुम्हारा भाई काम करता है जिस पे भी काम करता है उससे दिल से कनेक्टेड रहो ब्रुजो की शेड की भी एक हुडी बनवाई है क्योंकि ब्रुजो से कनेक्टेड रहेगी वो इस पे कैचिंग लिखवा दिया और एक बेसिक आएगी जो भी होगा तुम्हें दिखाते रहेंगे चलो अब चलो अब सुबह मिलते हैं लोग क्यों बना रहा है भाई भाई घर भी टिक जाए करो कभी घर भी टिक जाए करो सबको टाइम दिखा दे 5:37 हो रहे हैं अब झूठ नहीं बोल चला निकाल भाई मानते ही नहीं तुम तो यार साले 2 बजे घर आए हो तुम्हारी बेड की टांग आवारा आवारा प्रॉपर आवारा तुम तैयार है चलो हाथ दिला के इधर हाय बोलो छोटा सा प्रैंक हुआ है देख मेरे को नींद आ रही है मैंने कहा लैला अगर तू आज सो गया कह रहा भाई अगर लैला आज सो गया तो लैला का थोड़ा सोचा लग जाएगा सोऊंगा
हैप्पीडेंट वेव खा गया। बाकी कल तो मैंने पूछा, मैं कहा लैला ब्रश कर गया है, कह रहा ब्रश हैप्पीडेंट सेंट्रल ब्रश बैंड के लिए सब खा के आया हूं। अबे तेरे को गाड़ी सिखाने आया हूं, चला गाड़ी चलानी थी। गिरे लड़की कहां से लाऊं, लड़की कहां से लाऊं। अबे हट जा तू, हट। सो गाइस लैला को ना मैंने फुद्दू बना दिया था। मैंने कहा लैला अभी अभी ना मेरा एक बंबल में मैच आया तो दो लड़कियां तैयार हो गई है, अभी सुबह सुबह चलना पड़ेगा मिलने। लैला भाई पूरा तैयार, मैगी बताइयो कैसे तैयार था ये ग्रुप में, सेंटर फ्रेश वगैरह खा के तैयार व्यार हो गए, पूरा नहा धो के तैयार बैठा था। तो बट इसको गाड़ी चलानी सिखानी है क्योंकि इसको लाइसेंस दिलवाना है जल्दी, और मेरे से ज्यादा गाड़ी चलाई नहीं जाती। तो मैंने कहा भाई तू भी जल्दी सीख, ये चला लिया करेगा। और तू क्या कर रहा है बहन के लंड, गाड़ी बाहर ठोक ना दियो। नहीं ठोक रहा यार। तो अब हम जा रहे हैं इसको गाड़ी सिखाने, कहाँ पे सीखेगा पंजाबी बाग, कहाँ पे जहाँ तुम लेके चलोगे गाइस। तो अब पंजाबी बाग में मिलते हैं, रामलीला ग्राउंड में इसको गाड़ी सिखाते हैं, आज देंगे इसमें रैपटे। सो गाइस एक पता नहीं कौन से कैफे ले आए हैं, कोई है यहाँ पे बैठे थे हम उस दिन जब खाया था वहाँ बैठे थे, यहाँ ड्राइवर मिला था। साले ताला लगा हुआ मन, पता नहीं कौन सी एंट्री से आया। तो भाई तूने क्या सोचा, ताजमहल बेच दूं? अभी इसकी कीमत सही नहीं मिल रही, कुतुब मीनार बेच पहले जो तेरे पे है नहीं। अब गिनने से भाई अगली बात होगी ना, मेडिकल लोडो तुम ग्राउंड फ्लोर बेच दे कुतुब मीनार। सो गाइस टाइम देख लो 10 बज रहे हैं, और आज के बाद बहन चो तो मेरे को सोन दिया करो, मेरे को तंग मत करा करो, यहाँ आ जा वहाँ आ जा, तेरे को भी कह रहा हूँ तेरे को भी कह रहा हूँ। अब जा अपने अपने घर चल भाई, जिम में मिलते हैं। मेरे से कहाँ हाथ मिला रहा है, गाड़ी चला दू अब मैं तो सोऊंगा आराम से, ये गाड़ी चलाएगा यार कुछ तो फायदा उठाऊंगा ही। तो भाई इन दोनों खचरों को घर छोड़ दिया, और ये देखो अब छोले भटूरे लिए मम्मी के लिए, ताकि मम्मी गालियां वालियां ना निकाले। मम्मी कह रही तू रात को लेट आता है, सुबह मेरी आँख नहीं खुली, तू पहले गायब हुआ पड़ा है। तो उनके लिए ये सब कुछ नहीं आया, पर अब हमें आदत लग गई है याशी की, भाई हमसे नहीं टिका जाता घर, घर पे डिप्रेशन होती है इसलिए तुम्हारा भाई बाहर निकल जाता है। तो खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है कि मैं भी खा लूँ, बट अपना पीनट बटर वाला शेक बनाएंगे, ओट्स वगैरह वाला वो पी के सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के जिम चलेंगे। तो चलो घर चलते हैं। भाई एक दिक्कत हो गई है, मैंने मम्मी को कहा था कि पहाड़गंज से ला रहा हूँ तुम्हारे छोले भटूरे, वर्ल्ड फेमस है वो वाले खाना, और वहाँ पे तो मैं लेने भूल गया क्योंकि वहाँ पे हम खाने गए नहीं थे, सैंडविच वगैरह खा के आ गए। अब मैंने यहीं से शर्मा जी के ले लिए अपने पटेल नगर से, मम्मी पहचान ना जाएगी यहीं की है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, लोग वगैरह ना आए तो समझ जाना मम्मी ने बहुत मारा है। बाकी घर वालों का रिएक्शन भी तुम्हें दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ लाइव। हो कोई नेड़े होया फिर तो दिल पहले जैसी होया साढ़े ना हो जाओ। हाँ वो लैला चला गया यार, अभी हो जावे ना ओही फिर तो। लो मम्मी भटूरे आपके लिए, क्या हो गया वहाँ गया पहाड़गंज के। तो भाई दो मेजर काम रह गए हैं, सबसे पहले अपना कैलोरीज इंटेक पूरा करना, शेक बना लिया वो करता हूँ, और उसके बाद ब्रूजो को नीचे घुमा लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी घुमा के नहीं लाऊंगा फिर मैं सोऊंगा, फिर ये मेरे को 12-1 बजे उठा देगा कि भाई नीचे लेके चल नीचे लेके चल, सर्दियों का मौसम है सुस्सू ज़्यादा आता है। तो अभी इसको फटाफट ये पी के नीचे घुमा के आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा भाई नैप लेने वाला है 7-8 घंटे आराम से, फिर सुबह मिलेंगे तुमसे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अब निकल चुके हैं हम अपना जिम के लिए, तो चलते हैं जिम और करते हैं बढ़िया सा वर्कआउट। तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं खाया है, केला खा लिया है, क्योंकि फिर अगर कुछ खाता फिर थोड़ी वेट करनी पड़ती जिम की। और चलो जिम चल के मिलता हूँ, बीच में वैभव का फोन आ रहा है, बात करते हैं। तो भाई बहुत ही तगड़ा वर्कआउट हो गया, और अपना क्या कहते हैं कितनी एक्सरसाइज कर ली मैंने, कम से कम 12-13 एक्सरसाइज कर ली, पहले वर्कआउट करके निपटाया, फिर ये आ गया, फिर इसके साथ आधा वर्कआउट कर लिया, अब ये 2 एक्सरसाइज करेगा, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। चलो एक कर बस। चल भाई आओ तुम्हें स्टोरी सुनाऊं एक इसकी नीचे। तो ओके गाइस लक्की इज बैक विद अस। भाई लक्की फिर तू मैसेज कर देगा वीडियो हटा दे, तो इसलिए इसको लेते ही छोड़ो। अब अपना चल रहे हैं हम कुछ खाने पीने फुल टोली के साथ, और आज ब्रूजो का पट्टा लेना है, मेन काम वो है, बहुत दिनों से भूल रहा हूँ भाई। तो चलो या तो जाम लगा हुआ है
भाई कल से पता नहीं किसकी नजर लगी है फोन में, कभी चटनी गिरी जा रही है, कभी कुछ हो ही जा रहा है। साफ कर यार। आज भाई कुछ नहीं बोल रहा मैं टेस्ट रिव्यू में, मेरी गांड फट पड़ी अभी। फिर गिर जाएगा ये टेस्ट रिव्यू देना छोड़ दे तू, तभी तेरा फोन गिरता है। तू दे देना, तेरी नजर लगी हुई है ना खाने में कि वीडियो में तो खा नहीं पाएगा। ले लो भाई। भाई मैं तो वेज खाऊंगा अपना भाई, तू तेरे से क्या खाना। चलो ओके बढ़िया बंद कर रहा हूँ। सो गाइस वेरी गुड डिनर, नाउ इट्स टाइम फॉर बाय समथिंग, परचेज समथिंग फॉर ब्रूजो। सो इट इज डिलेइंग वेरी मच, एवरी डे डिले डिले डिले, बट टुडे वी विल बाय। बट बज गया नहीं मिलेगा, सॉरी ब्रूजो भाई। भाई ये भला ही हो रहा है ना, अगर लूंगा तो ब्रूजो को नहला के बनाऊंगा, फिर इसी बहाने ब्रूजो ना नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ लूंगा फिर नहलाऊं, लूंगा फिर नहलाऊं, आज मिल जाए। बाकी ये चेक करो तो लकी अब पटाखा बजा। हाँ तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई भाग फिर के जैसे तैसे आ गया, और दुकान हो रही थी बंद। ओए एक मिनट रुको यार, रुको रुको, अर्जेंट इट्स अर्जेंट, रुको रुको, देख रहे हो बाबा जी भैया बंद तो नहीं करती। अरे भैया 2.5 लाख बंदा देख रहा है, अभी बंद मत करो, हम बहुत दूर से आए आपके पास। हमने गूगल में देखा था आपको, अपना बुलटेरियर है एक, उसके लिए पट्टा चाहिए बढ़िया, जो आप पे टॉप क्वालिटी का पट्टा है ना, बिल्कुल सबसे बढ़िया। यही ना समय होता है जैसे रातों रात पट्टा कितने हैवी हारने चाहिए, बुलटेरियर है बुलटेरियर। हाँ जी भाई हारने चाहिए, क्या चाहिए वो चाहिए, वो हारने से चाहिए ना मामा। ये वाला निकालो, ये वाला, ये वाला भैया। और कुछ पता लग रहा है, बैंड कलर कुछ पहना है कुत्ते ने। हाँ भाई पता लगेगा, लाल लाल दिखेगा ना, सिलेंडर ऐसे बाहर सिलेंडर दिखे तो एक दिन में खा भी नहीं सकता ये। सो गाइस लेट हो रहा था इसलिए मैंने ब्रूजो के लिए काफी गिफ्ट ले लिए। ये देखो, ये साथ में हड्डी और ये भैया, इसका पैकेज बना दो एक, कितने हुए जितने भी होंगे ना 20-25 हज़ार फालतू बोलना वीडियो के लिए। टोटल सब, हाँ टोटल में 12 के वीडियो के बुलाओ मैंने इनके लगा देने पैसे, अभी 350 रुपये बाकी बिल के बता दो, बिल बता दो कितना होगा भाई टोटल। टोटल कितना होगा सर जी, अब हमारा है बता दो, पहले असली वाला बताओ, वो मैं कट कर लूँगा, वो मैं कट कर लूँगा। 980 टोटल। हाँ जी भाई, ये किसी को भी अपने कुत्ते वगैरह के लिए, तुम बंदी वगैरह के लिए तो गिफ्ट वगैरह लेते रहते हो, वो बहन जो भाग जाती है, कुत्ते होते हैं वफादार उनके लिए लो गिफ्ट, क्यों भैया। हाँ तो यहाँ पे आना है आपको राम पेट शॉप पे, कहाँ पे फुल डिस्काउंट मेरे को भी है ना डिस्काउंट। हाँ भाई हाँ ठीक है यार, कितने डिस्काउंट। तो ये अपना करमपुरा की मेन रोड पे है राम पेट हाउस, यहाँ पे आके भैया को बताना, भैया सोच रहे हैं मैं मजे ले रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, एक बार आके बताना भाई सच में। अब ठीक है भाई आ जाना, खरीद लेना कुछ ना कुछ। हाय गाइस, मैंने तुम सबके लिए गिफ्ट लिए है। ले लक्की खा ले जो खाएंगा। ले भाई कंपटीशन के लिए पैक करा के ले ये वो पट्टा है जो तेरे को पहना के रखा था उसने। सो गाइस ये हमारी नेक्स्ट ट्रिप की लोकेशन, अगले साल जाएंगे क्योंकि अभी ये बंद हो गया। पाजी ढूंढ के ले, कहाँ है ये? 12 लाचा। So guys, कौन सी बाइक है भाई? Continental GT 650 Mr. Green Road। तो भाई भारी है काफी। ये तो लक्की कभी चढ़ाई में मैं पीछे करनी हो तो अपने पीछे जाएगी। कहाँ है गियर? वो है भाई, चला लेना ना। है ही है ना? हाँ हाँ चला ले भाई, चला ले। ये तो वही नहीं गया। हैवी है ना बहुत, बहुत हैवी है भाई, बट वो है अगर एक बार फ्लो में आ जाए उसके बाद नहीं पता लग रहा। हो गया लगी भाई। तो गाइस जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब ये वाली बाइक लूंगा मैं। ये आया है, है कौन पहनेगा, कौन पहनेगा ये, कौन पहनेगा, कौन पहनेगा।
कौन पहने तो ये कौन पहने वो चलो भाई बूजा बन गया राजा बाबू नया बट्टा पहन के और ले भाई ले तो हीरो लग रहा है बूजा तो हीरो लग रहा है हुँ? अभी एक चीज हो रहा है चल जा खेल ले इसके साथ अबे पागल ब्रुजो क्या खा रहे हो ब्रुजो भाई अब इंट्रोवर्ट बन गया बात नहीं कर रहा मेरे से अपना लगा हुआ है सो हे गाइस वेलकम बैक स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में भाई आज अपना फिट गुलाटी का बर्थडे है तो हम पेंट कोट सिलवाने आ गए हैं अभी कपड़े देखे हैं यहाँ पे देखते हैं कौन सा पेंट कोट सिलवाए कोई बढ़िया सा लेते हैं फिर चलते हैं उसके बाद शेप वगैरह भी करानी है तो आज पूरा दिन इंजॉयबल होने वाला है तुम्हारा पीछे कर ले इसको और ये जो दुकान है लैला के पापा की दुकान है वो बोल बता दे यार मेरे पापा की दुकान है कौन से वाले पापा की है फोर्थ पापा की फिफ्थ पापा की और साथ में हमारे देखो कौन है गाइस ये देखो एक येवला कलर है एक येवला कलर है तुम दोनों को तुमको कौन सा बढ़िया लग रहा है मेरे को तो भाई लग रहा है येवला बढ़िया यही है ना जो मैं कह रहा हूँ येवला दिस वन विल लुक ग्रेट पर डैडी कह रहे हैं दोनों थान ऊपर लेके चलो अभी हम बेसमेंट में है डैडी कह रहे हैं दोनों थान ऊपर लेके चलो वहां सनलाइट में देखूंगा कौन सा बढ़िया है बाकी हमारे उस्ताद जी है पीछे 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया बंदे हैं मैं तो सो रहा हूँ अब लाइट बंद कर दो फिर सो के मिलते हैं बाकी भाई यहाँ पे देख के एक चीज खुश हुई वो मतलब एक खुशी हुई कि लड़कों के लिए भी इतना सोचा गया है इतने कलर रखे गए हैं वरना तो हमेशा लड़कियों के लिए साड़ियाँ वाड़ियाँ होती है लड़कों के लिए कुछ नहीं होता गुड गुड इनिशिएटिव भाई मेरा एक सपना है मेरे को लेडीज टेलर बनना है सो गाइज एक ना यहाँ पे करोल बाग में है खुराना चिकन बहुत फेमस है गफार में मतलब उसका खाना बहुत अनलिमिटेड टेस्टी होता है अभी हमने शोरमा खाया अभी हमने शोरमा टेस्ट किया मतलब मैंने पनीर शोरमा खाया था इसने वाला शोरमा खाया था और हमने कहा पनीर शोरमा रखते नहीं भैया तो हमने कहा ऊपर चलो यहीं पे चल के खा के एक बार टेस्ट करते हैं वैसे आज रात को पार्टी है वहाँ पे भी बहुत खाना है बट स्टिल तुम्हारे लिए आ गया क्योंकि तुम्हें दिखा दूँ टेस्ट कैसा है खुराना जी का हाँ तो कुछ ऑर्डर करते हैं इस पे मूवी भी तो आई थी वो लव शफ्ट चिकन खुराना इसी के ऊपर तो थी इनका चिकन खुराना बहुत स्पेशल है तो वो मंगाते हैं और खाते हैं गाइस पता नहीं अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए वो बंदा ऑर्डर लेने ही नहीं आया 15 मिनट से फिर हम गुस्से में नीचे ही आ गए मैंने कहा चलो छोड़ो यार बाद में खा लेंगे घंटा गाइस ये नहीं है कह रहा है कि वहाँ पे उसके बर्थडे पार्टी वहीं खाएंगे रात में साले बता भाई ऑर्डर लेने आया ऑर्डर लेने नहीं आया हम वेट कर ही जा रहे हैं साला 15 मिनट तो ऑर्डर लेने नहीं आया पता नहीं खाना कितनी देर बाद लाता है फिर हमने कहा डस्ट करो चलो आओ अब आईफोन का कवर लेते हैं एक नया क्योंकि आज पार्टी में जाना है थोड़ी देर पर तो भाई अब तुम्हारा भाई ले रहा है कार्ब्स लोड कर रहा है प्री वर्कआउट की शकरकंदी और इसके बाद चलते आगे कॉफी आज रह गई आज की तो कॉफी पियेंगे नथू राम जी से शकरकंदी खा हरकतें तो दिखा दे पेड़ खाया जा रहा आप ही ऐसे ले तो भाई अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ सिक्का और वो क्या कहती है लैला अपना फोन लेने गया सिक्के का कोई फोन खराब था वहाँ पे गया मैंने कहा भाई मेरे से इतना नहीं चला जा रहा तुम ले आओ यहाँ पे 10-15 मिनट वेट कर रहा हूँ सो गाइस बर्थडे बॉय देखो कैसे सज रहा है इनके बाल देखो दिखा भी रहा है देखो देखो कुछ बोल दे भाई बाल कटवा रहा हूँ अपने पैसों से भाई ये पैसों से दिखा दे मैं दे दूंगा बिच्चू चिकन है चिकन थोड़ी होगा भाई मैं भक्त आदमी हूँ पूजा करके आऊंगा चिकन है सच बता मैं पनीर चाप मशरूम ओके मशरूम दूसरे वाले है ना सो गाइस तुम्हारा भाई फुल रेडी हो गया बर्थडे के लिए और मैंने एक नई स्वेटर ली थी पर उसमें मजा नहीं आया इसमें मजा आ रहा है ये इसमें रॉयल लुक आ रही है पूरी तो ऐसे बन के तैयार हो गया जिम जाने का भी सीन था बट जिम इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पे फिर आशिया करनी है रिकवरी होनी नहीं तो जिम कल करेंगे और शोल्डर वर्कआउट मेरा पेंडिंग है रिकॉर्ड करना कल संडे कल पूरा जिम खाली होगा तो वो करेंगे बाकी अब टाइम हो रहा है
8:30 बज रहा है, वैभव की वेट कर रहे हैं, जनानियों की तरह तैयार होता है ये एक एक घंटा लगा के। तो अब नीचे से गाड़ी उठाएंगे, वैभव के घर जाएंगे, उसको उठाएंगे, फिर वहां से पार्टी पे जाएंगे, पार्टी पे करेंगे फुल अयाशी। सुबह 7-8 बजे घर आएंगे भटूरे खाने के बाद। जतिन भी तो जाएगा? जतिन नहीं जा रहा। मम्मी भटूरे लाने आपके लिए? नहीं लाने। और ये ऐसा सीन क्या गया, यहाँ के छोले शर्मा के ले आया तो कह रहा मैं वहां से पाड़गंज से। माता रानी के साथ मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई ले 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 ले, कहता छोड़ दे लेट हो रही है। शर्मा के ले आया मेरे लिए। मैंने इसको बोला राधे श्याम के बड़े प्यारे होते हैं। तुमने कैसे पकड़ लिया? मैंने कहा थाली पकड़ दी, पता लग गया शर्मा के है ये। सो गाइस जाना है पर पता नहीं कौन चूतिया यहाँ पे ये लगा गया। अब ये पहले हटा, निकलेगी नहीं निकलेगी ये देख रहे हैं। चलो लेट्स सी। भाई अगर कोई सा भी राइडर होता ना, कोई सा भी राइडर का चौदह वहां से गाड़ी नहीं निकाल सकता था। वो तो बस तुम्हारा भाई था जो अपना कैलकुलेशन बिठाई, पहले बैक लेके गया, फिर 90 डिग्री का इधर काटा और फिर खाली एक्सीलेटर दिया। मतलब बिल्कुल जितना आप दे सकते हो उसकी कैपेबिलिटी, क्या कहते हैं उसको, कैपेबिलिटी, हाँ उसके 10% देना था, फिर सीधा एक 60 डिग्री का एंगल लेके ये स्टेयरिंग को घुमाना था। चल बाबा का फोन आ रहा है। चल ठीक है। ये देखो भाई अब इसको निकालू ना निकालू ये बताओ क्या कहता है। अभी मत निकालियो, हवा निकल जाएगी। तेरी भेड़ की कैचिंग। भाई पूरे रास्ते मैंने गाड़ी चलाई आज, पूरे रास्ते। अब चलो पार्टी में चला लियो, मैं तो सो रहा था मस्त। चला गया, चलो अब सोएंगे। खींच खींच की गाड़ी के भेड़ की जो रुकना नहीं, रुकना नहीं। बस बाकी कॉपीराइट आएगा। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से भारी।